प्रदीप जी, ये क्यों हो रहा है कि किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं? इससे पहले सीए एनआरसी पर हमने आंदोलन देखा, सरकार कानून बनाती है तो सड़कों पर आंदोलन क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, देखिए बेसिक बात यह है कि इस देश में जो संविधान है उसके मुताबिक कानून संसद में ही बनेगा, सड़क पर कानून नहीं बन सकता है। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सड़क पर कानून बनाया जा सकता है तो उनको पहले संविधान बदलना पड़ेगा। इस संविधान के रहते कानून तो संसद में ही बनेगा, लेकिन किसी भी कानून के बनने से अगर किसी को दिक्कत है, समाज के किसी वर्ग को कठिनाई है, तो सरकार के पास अपनी कठिनाई लेकर जाए, सरकार को उसे सुनना चाहिए। और जहां तक संभव हो, देखिए सरकार किसी एक विशेष वर्ग के हिसाब से नहीं चल सकती, उसको पूरे देश को देखना है। और ये मेरा सवाल प्रदीप जी, इसी में मैं ये भी जानना चाहती हूँ, अभी कह रहे हैं परमजीत जी की पंजाब और हरियाणा का किसान तो यहाँ पहुंच गया, बाकी भी कहा यह जा रहा है कि देश भर के किसानों का समर्थन है, लेकिन वैसा उग्र प्रदर्शन हम कहीं और अभी नहीं देख रहे हैं बाकी पूरे देश में। नहीं हो सकता, क्योंकि एमएसपी का फायदा इन्हीं दो राज्यों को मिलता है, ठीक है? दूसरी जगहों पर धान और गेहूं की खरीद इतने बड़े पैमाने पर एमएसपी पर नहीं होती है। मानव आपके पास और जितेंद्र आप अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।